दिन दहाड़े युवक को मारी गोली, मचा हड़कंप। गाजियाबाद थाना घंटाघर कोतवाली नया बस अड्डा शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन के पास कपड़ा व्यापारी शहाबुद्दीन को चार युवकों ने गोली मारकर फरार हो गए। गोली लगने के बाद शहाबुद्दीन नीचे गिर पड़े। वहां के स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और शहाबुद्दीन को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जी, क्या नाम है? निम्मी। क्या हुआ था आज, क्या मामला है? सर, पैसों का नहीं बुलाया था इन्होंने। कादिर ने कहा था कि सुबह का टाइम, सुबह 1-1.5 बजे करीब वहाँ आ जाइए, नए बस अड्डे पर तुम्हें पैसे दे देंगे हम। इनकी बात हो गई थी, पैसे हमारे 3,80,000 रुपये हैं सर जी। इन पे कितने दिन पहले लिए थे पैसे? पैसे नो तो कमेटी के पैसे। जी सर, कमेटी के पैसे हैं। 3,80,000 रुपये रुके हुए हैं सर इन पे। 3,80,000 रुपये रुके हुए हैं सर। इन्होंने कहा कि तुम आ जाना, हम तुम्हें बस अड्डे पर पैसे दे देंगे। शाम भी गए थे। शाम उसके भाई ने कह दिया कि सुबह में मिल जाएंगे, तुम्हें सुबह में यहीं पर आ जाइए। तो ये वहाँ अपनी इनकी मम्मी आई हुई थी घर पर, ये बस अड्डे पर छोड़ने गए। वहाँ से आते में इन्होंने ये वारदात हो गई सर। तुम्हें कैसे पता लगा जब उनके साथ में घटना हुई? सर, वहाँ पे महल लेकर गया, भाग के गया कि तो ऐसे से वारदात वहाँ पर हो गई है, वो वहाँ पर जाकर देख लो। सर, पहले भी लड़ाई झगड़ा हुआ था शायद इनका कोई? नहीं सर जी, हमारा तो लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ। मेरे आदमी के सीने पे मार रहे थे गोली, जो लग जाती सीने में। क्या होता सर जी, जो इस पर लगती बाहों पे बताओ। पहले कंप्लेंट करी थी? कंप्लेंट करी थी सर जी, शाम को रखा था। टोटल 4 जने सर। क्या ये सर, ये तो वो नहीं पता होगा मुझे, क्या पता। मैं तो घर थी, मैं तो घर से आई हूँ। देखो ये तो सारे थे घर पे ही थे। ये तो फोन करके बुलाया। आसपास के स्थानीय लोगों ने तो बताया कि वहाँ तो कोई था ही नहीं। दोपहर में 2 बजे करीब सूचना मिली थी कि शहाबुद्दीन नाम के एक आदमी के हाथ में गोली लगी है। उपचार के लिए उसे एमयू में भर्ती किया गया है और जिस पर उन्होंने आरोप लगाए हैं उनको सब प्राण लेन देन की बात है। जांच का विषय है, पुलिस जांच करी और आशा कर रही है।